कहीं पर कहा जा रहा है चाकरी पुराने वोट जमाने का जी को बता दो कल लगाना पड़ेगा क्या? शिक्षकों को नमस्कार। मेरा नाम चूड़ा रत्नम्मा है। हम मैसूर वाले हैं, कर्नाटक के मैसूर वाले हैं। अब मेरा बेटा सब कुछ मेरे यात्रा के बारे में बोलिया है। मैं मेरा मेरे पति के जमाने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। मेरे पति चल बसने के बाद मेरा मुझे एक अकेला बेटा है, इसलिए वो अपने साथ रख कर मुझको अच्छी तरह देख रहा है। वो एक दिन वो पूछा कि कुछ जगह के नाम पूछा। मैंने कहा वो नज़दीक वाले मंदिर बेलूर अड़े भी नहीं देखा, ऐसा कह लिया। उसके मन को परेशान हो गया उस समय। वो तुरंत संकल्प करके मुझे सारे देश को दिखा है। हमारे भारत में जितने पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरा बेटा बहुत होशियार लड़का है। पहले बचपन से ही मेरा कष्ट को वो आंखों से देख रहा था, इसलिए जीते रहते समय अम्मा जी के सब कुछ दिखाना, अम्मा जी को सेवा करना, ऐसा चाहकर मुझे सारे देश को दिखाया है। दिखाते समय बच्चों की तरह ऊपर उठाकर मंदिर को दिखाया है, भगवान को दिखाया है। ये गाड़ी में बैठकर मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, आराम से बैठूँ, क्योंकि मेरे तबीयत के बारे में वो काळजी लेता है, केयर लेता है, मेरे सभी कामों में हाथ बांटता है, सहयोग देता है, सब कुछ काम को वो ही करता है, मुझसे नहीं करवाता। पहले मुझे खिलाकर वो बाद में वो खाता है, ऐसा बेटा है। इस ज़माने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ। वो आजकल बेटे लोग माता पिताओं को वृद्धाश्रम भेजते हैं ना, आपको भी मालूम है। मेरा बेटा ऐसा नहीं किया, मेरे पति के अनुपस्थिति में मुझको अच्छी तरह देखकर मुझे संभल कर रहा है। ये उपाधि मिल गया है,
श्रवण कुमार बन गया है ना, ये उपाधि संघ समझता हुआ देश के लोग दिए है। ये उपाधि मेरे बेटे को एक को मिलना चाहिए ऐसा अरमान नहीं हमको, हम ऐसा स्वार्थी नहीं। सभी घरों में रहने वाले बेटे को ये उपाधि मिलना चाहिए। सभी बेटे अपने माता पिताओं को अच्छी तरह देकर अपने साथ रखकर अलग नहीं बनाना, साथ रखकर बुढ़ापे में अच्छी तरह देखना, ऐसा हमारा अरमान है, हमारा संदेश भी है। और कहाँ कहाँ जाने का आपका अभी प्लान है और कितने किलोमीटर के अभी तक आप यात्रा कर चुके हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ारत्ना, हम मैसूर वाले हो। ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है। ये पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग था हमारा संयुक्त परिवार में। उस समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पोंछना, इसी कामों में समय बीत गई, बाहर का विहारी नहीं। सो लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उस समय में मैं बेंगलोर में काम करता था, आई वॉज वर्किंग एज ए कॉरपोरेट टीम लीडर इन बेंगलोर। मेरी माता जी को मैसूर से लेकर बेंगलोर में एक से एक दिन बातों बात करने का समय में, वार्तालाप करने का समय में मैं पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलई, तिरुकोयिलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे? मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ईबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा। उसी समय में मुझको परेशान हो गया, मेरी माता जी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया, उस देखकर मुझको बहुत परेशान हो गया, संकट हो गया। उसी समय में मैं मेरी माता जी को, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ईबीड़ एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता है। ये संकल्प करने के बाद हम 2014 में जॉब को रिज़ाइन करके January 16, 2018 में ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू किया मैसूर से। अभी तक हम 66,722 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ अभी तक। पूरा भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मंदिर है, मठ है, साधु सत्पुरुषों का दर्शन, स्पिरिचुअल सेंटर, सभी मेरी माताजी को लेकर पुण्य नदी में नहाकर, पुण्य स्नान कर तीर्थ प्राशन कर मेरी माताजी का जो इच्छा था वो मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। समग्र भारत, साथ ही साथ ही नेपाल, भूटान, म्यांमार भी, ये 20 साल का पुराना स्कूटर, इसमें हम सफ़र कर रहा हूँ। क्योंकि ये स्कूटर मेरी पिताजी ने मुझको 20 साल के पहले दिया था, मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है, मैं हम दो नहीं हैं इस यात्रा में, हम तीन हैं। ये स्कूटर हमेशा मेरा पिताजी का याद हमको दिलाते हैं। किसका है? माई डेसिग्नेशन वॉज कॉरपोरेट टीम लीडर, हैंडलिंग द कॉरपोरेट्स।